राजधानी पटना से सटे गौरीचक थाना क्षेत्र में रविवार की अहले सुबह एक युवक को गोली मारी, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गौरीचक थाना की पुलिस ने घटनास्थल से 4 खोखा बरामद किया है। जानकारी मुताबिक गोपालपुर थाना क्षेत्र के रहने वाला 28 वर्षीय चोचो उर्फ विकास कुमार को अजीमचक गाँव के नजदीक बाइक सवार अपराधियों ने उसके ऊपर ताबड़तोड़ कई गोलियां मारकर फरार हो गया, जहां गोली मारने के बाद स्थानीय लोगों ने गौरीचक थाना को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जख्मी विकास को हॉस्पिटल भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में गौरीचक थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि घटनास्थल से पुलिस ने 4 खोखा बरामद किया है। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। मामले की छानबीन कर अपराधियों को जल्द पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। सुबह के समय गौरीचक थाना तो सूचना मिली कि अजीमचक पटना गया मुख्य मार्ग में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। तत्काल 112 की टीम और गौरीचक थाना की टीम पहुंची तो वहां एक व्यक्ति के घायल होने की गोली से सूचना मिली। उन्हें अस्पताल के लिए NMCS बेहतर इलाज के लिए भेजा गया। बाद में नाम पता सत्यापन के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि जिन्हें गोली लगी है वह विकास कुमार उर्फ चोचो पिता गोरख राय साकिन सिरपतपुर थाना गोपालपुर के रहने वाले हैं। NMCS पहुंचने के बाद उन्हें डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में पुलिस द्वारा अग्रतर कार्रवाई की करते हुए CCTV फुटेज और टेक्निकल एनालिसिस किया जा रहा है। साथ ही जो इस कांड में जो अभियुक्त हो सकते हैं उन्हें पकड़ने के लिए एक टीम बनाई गई है, जो टीम आगे काम कर रही है। इसमें घटना का मुख्य कारण है कि पूर्व में मृतक की आपसी रंजिश होने की बात बताई गई है, तथा मृतक का गोपालपुर थाना में पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है। इस संदर्भ में पूरी त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए पूरी टीम लगी हुई।